गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। वन बल्ब इन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। मतलब 20 बल्ब हमारे पास एक लॉट में पड़े हुए हैं, एक साथ 20 बल्ब है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, हमें पता है 4 डिफेक्टिव है, ठीक है। अगर हम वन बल्ब को ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उस पूरे इकट्ठे जो सारे बल्ब एक जगह रखे हुए हैं उस लॉट के अंदर से हम एक बल्ब अगर रैंडमली लेते हैं तो वो बल्ब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में ये। सेकंड, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब सेकंड केस में उसने ये बताया कि पहला जो आपने बल्ब निकाला था, मान लीजिए वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, और नहीं उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, वापस से नहीं उसको रखना है, तो फिर वन बल्ब हम जो रेस्ट जो बचे हुए हैं रिमेनिंग बल्ब उनमें से एक बल्ब और हम निकालते हैं, रेंडमली हम उसको निकालते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो जो हमने बाद में सेकेंड टाइम जो बल्ब रेंडमली चूज किया है वो डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें निकालनी है। तो 17 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 17 का, जिसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 20। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी कितने हो गए 20 हो गए, जब बल्ब 20 है तो पॉसिबल आउटकम भी 20। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो डिफेक्टिव बल्ब के लिए निकालनी है कि हमने जो चूज़ किया वो डिफेक्टिव बल्ब होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट पार्ट में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल कौन हुआ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं उस लॉट में 4 है, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, तो ब्रैकेट में लिखा है डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की हम निकाल रहे हैं। तो पहले हमें फार्मूला लिखना चाहिए, ठीक है, हमने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा है लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 फेवरेबल है, टोटल 20 है, तो 4 1 4 4 5 20, तो 1/5 इज आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर जो डिफेक्टिव बल्ब है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/5। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कहा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस। अगर हमने जो बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है और नहीं मैंने हमने उसको रिप्लेस किया है, ठीक है, उसको वापस से उस लॉट में नहीं रखा है, ठीक है, तो हमें नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए, फर्स्ट टाइम 20 बल्ब थे, लेकिन हम फर्स्ट केस में एक बल्ब हम उसको निकाल चुके हैं तो 1 माइनस हो जाएगा, तो कितने बल्ब बचे हैं टोटल 19। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 19, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो नॉट डिफेक्टिव, यहाँ पे हम गुड बल्ब की जगह पे नॉट डिफेक्टिव भी लिख सकते हैं, और गुड बल्ब मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो कितने हैं, तो 19 टोटल है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, क्योंकि उसने कहा था जो हमने बल्ब निकाला था इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, जो हमने पहले चूज़ किया था फर्स्ट केस में वो डिफेक्टिव नहीं था, उस इस केस में ये कहा गया। तो 4 जो डिफेक्टिव बल्ब है वो अभी भी मौजूद है उस लॉट के अंदर, तो गुड बल्ब कितना हो गए, जो अच्छे बल्ब है वो कितना हो गए, तो 19 में से 4 डिफेक्टिव बल्ब अगर माइनस करें तो 15 अच्छे बल्ब अभी भी उस लॉट के अंदर है।
अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ए नॉट डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी हमें नॉट डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है। तो फेवरेबल कितना होगा 15 और टोटल आउटकम कितने थे 19, तो 15/19 इज आंसर। ओके तो बच्चों ये हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्स फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर ए टू डिजिट नंबर, सेकेंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, थर्ड इज ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है। तो 90 डिस्क पर हर एक पर एक नंबर लिखा है 1 से लेके 90 तक, और रेंडमली हम उनमें से एक कोई भी चूज करते हैं उस बॉक्स में से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 1 टू डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या एक ऐसा नंबर आए जो 5 से डिवाइड हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें 3 केस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 90, क्योंकि 90 डिस्क पर हर एक पर एक एक नंबर है 1 से लेकर 90 तक। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, वो है 90। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें बताया था कि टू डिजिट नंबर के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आपने, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, यहाँ पे आपको लिखना है 4 2 डिजिट नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तो टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से, और कहाँ तक चल रहे हैं तो लास्ट नंबर भी टू डिजिट है 90। तो 10 से लेकर 90 तक के सारे टू डिजिट नंबर, टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम 81 हो गए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देंगे हम PE करके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके बाद P और ब्रैकेट में चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, नहीं तो PE1 PE2 करके भी आप तीनों केस सॉल्व कर सकते हो। तो P ए डिस्क ब्रिंगिंग ए टू डिजिट नंबर, मतलब एक डिस्क जिसके ऊपर टू डिजिट नंबर आ जाए, तो इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने हैं 81, टोटल कितने हैं 90। तो 9 से कट हो जाएगा, 9 9 81 और 9 9 9 0 की 0, तो 9/10 इज आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड में हमसे पूछा था कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप देखो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो हमने सबसे पहले लिखा था, फेवरेबल निकालना है, सेकंड केस के लिए फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जब स्क्वायर करने पर जो नंबर आए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 90 तक ही हमारे पास है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हुए, ये हमारे पास 9 नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा होगा 9। फिर हमने फार्मूला लिखा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमने वापस से रीजन लिखा कि ए डिस्क बिगिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर क्या 9 और टोटल नंबर क्या 90, तो 9 9 9 9 9 0, तो 1/10 ये हमारे आंसर आ गए। थर्ड पार्ट जो हमारा है उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम निकालें क्योंकि टोटल आउटकम तो सबसे पहले हम निकाल चुके थे 90 होते। तो थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, तो 5
से 5 डिवाइड होगा, 10 होगा, 15 होगा, और 5 की टेबल चलते चलते 90 तक जाएगी, ठीक है। तो जिसके लास्ट में 0 आता है और 5 आता है, वो 5 से डिवाइड होता है। तो सारे नंबर लिखे तो टोटल कितने नंबर हो गए, 18 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, है ना, तो 18 नंबर हो गए। फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। तो पी एट दिस बिगिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर 5 से डिवाइड हो उसके लिए। तो फेवरेबल कितने हैं, 18, टोटल कितने हैं, 90, तो 18/90 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो हम 18 1 जाए 18 18 5 जा 90, तो 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हम 18 के सारे पार्ट को, सारे केसेस को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई हूज 6 फेस सो द लेटर एज गिवन बिलो। मतलब एक डाई है जिसके, जो हमारा सांप सीढ़ी में जो हम खेलते हैं ना पासा, उसका है, उसमें पॉइंट रहते हैं, नंबर रहते हैं, लेकिन एक चिल्ड्रन के पास ऐसा डाइस है, ऐसा पासा है जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके 6 फेस पर ए बी सी डी ई और फिर ए लिखा हुआ है। द डाई इज थ्रोन वंस, उसने एक बार डाइस को थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो या डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे, तो वो कितने हैं, 6 फेस है तो 6 टोटल आउटकम्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 6। फिर फर्स्ट केस हमारे पास ए के लिए, तो 4A, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, तो ए कितनी बार है, 2 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 2। फिर हमें फार्मूला लिखना है, ठीक है, फार्मूला यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है। तो पी गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए की, ए आने की, तो फेवरेबल 2/6, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/3 इज आंसर, ओके। फिर सेकंड पार्ट 4D, डी के लिए सॉल्व करना है, देयर इज 1 फेस विथ डी, तो हम यहाँ पे 4D भी लिख सकते हैं। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, क्योंकि डी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है, फिर प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी के लिए फेवरेबल 1 है, टोटल 6 है, तो 1/6 इज आंसर, तो देयर फोर करके हम दोनों आंसर लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रेंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सो इन द फिगर 15.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, और हमने डाई को थ्रो किया, ड्रॉप किया, तो वो इसके अंदर गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ये सर्कल कितने डायमीटर का है, 1 मीटर का, तो इस सर्कल के अंदर उस डाई या उस पासे को गिरने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका एरिया छोटा है, ये हमारा फेवरेबल एरिया है, क्योंकि इसके अंदर गिरेगा, मतलब कहाँ गिरेगा, एरिया के अंदर गिरेगा ना, तो सर्कल का एरिया क्या है, स्मॉल है, तो ये हमारा फेवरेबल, इसके अंदर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और टोटल क्या है, टोटल रेक्टेंगुलर है, तो टोटल जो हमारा रहेगा टोटल आउटकम्स वो है रेक्टेंगुलर वाला एरिया, और फेवरेबल जो रहेगा वो होगा सर्कुलर एरिया, सर्कल का एरिया, ठीक है। तो दोनों के एरिया के फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो हिंट में लास्ट में दिया हुआ है कि नॉट फॉर द एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, जिसकी लेंथ हमें रेक्टेंगल की लेंथ 3 मीटर है, और यहाँ पे ब्रेथ 2 मीटर है, और इस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है। अब सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन,
रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालें तो फार्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पता होगा। तो 3 × 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया हमारा, किसका, रेक्टेंगल का, मतलब जो बिग एरिया है, जो टोटल एरिया है उसका एरिया हमारा 6 आया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सर्कल की। तो सर्कल का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो पाई तो हम ऐसे ही रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें रखने के लिए नहीं कहा है और हमें रखनी भी नहीं है, हम इसे भी उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो रेडियस तो डायमीटर कितना है, डायमीटर यहाँ पर है 1 मीटर, है ना, तो डायमीटर से ही रेडियस निकलेगी। तो रेडियस हम जानते हैं डायमीटर की हाफ होती है, मतलब डायमीटर में 2 का डिवाइड करते हैं, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हुआ, 1/2। तो मतलब आर की जगह पे हमें क्या करना है, डायमीटर का हाफ करेंगे, मतलब 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर, तो पाई का पाई, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का इंटू पाई में होगा तो पाई, और 2 का स्क्वायर क्या आया, 4, तो पाई बाय 4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया, किसका, सर्कुलर रीजन एरिया का। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी द डाइज लैंड इनसाइड द सर्कल, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई जो है वो इनसाइड द सर्कल के अंदर जाए, उसके लिए। तो फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला हमारा एरिया के हिसाब से ही लिखा जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। तो सर्कल का एरिया जो स्मॉल एरिया है फेवरेबल वो ऊपर आएगा, टोटल एरिया नीचे आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई बाय 4, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 6। तो 6 के अपॉन में हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो पाई अपॉन 4 तो रहेगा मल्टीप्लाई, ये 6/1 है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 6/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/6। तो 1 का इंटू पाई में होगा तो पाई, और 4 का इंटू 6 में होगा तो 24। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आंसर आ जाएगा, पाई बाय 24। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 21 क्वेश्चन, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज अ गुड, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट रेंडम एंड गिव्स इट टू हर, वाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, नंबर वन सी विल बाई इट एंड सी विल नॉट बाई इट। मतलब इस क्वेश्चन में ये बताया कि एक लॉट है, एक बहुत सारे पेन एक साथ रखे हुए हैं, वो टोटल पेन है 144 बॉल पेन, उनमें से डिफेक्टिव जो पेन है, ख़राब पेन जो है वो 20 है, नॉट गुड पेन जो है वो 20 है, बाकी गुड पेन है। तो जो हमारी यहाँ पर एक नूरी जो कस्टमर है वो पेन कब खरीदती है, जब इट इज़ अ गुड, वो अगर अच्छा होगा तो खरीदेगी, और इट इज़ नॉट बाय, अगर वो नहीं खरीदेगी कब, इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो ख़राब होगा तो नहीं खरीदेगी। तो शॉपकीपर उन सभी पेनों में से एक पेन उठाकर रेंडमली उसको गिव्स टू हर, उसको देता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस पेन को खरीदे या ना खरीदे। तो फर्स्ट वाले में है सी ही विल बाय इट, खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी विल नॉट बाई, नॉट खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये दोनों हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेन जो है, टोटल नंबर ऑफ पेन 144 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 144। फिर फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो सी बाई इट कब खरीदती है, वो जब गुड पेन होता है, तो नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, तो 144 में से 20 डिफेक्टिव को माइनस करें तो 124 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, 124, ये फर्स्ट केस के लिए है, जब वो खरीदती है, मतलब गुड पेन खरीदती है तो फेवरेबल आउटकम गुड पेन का रहेगा 124। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख कर, पी नूरी विल बाय
गुड पेन, नूरी गुड पेन खरीदती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 124/144, तो फोर से कट हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 31 ऊपर आ जाएगा, 4 3 12, 4 6 24, तो 36 नीचे आ जाएगा। इसके बाद सेकंड केस, ये सी विल नॉट बाई इट, मतलब खरीद नहीं खरीदने का है, तो ये पी ई नॉट ई जो है उससे भी आप कर सकते हो, 1 - PE, है ना, एक हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, उससे भी आप कर सकते हो, 1 में से माइनस कर सकते हो पी ई, मतलब पहले वाली प्रोबेबिलिटी अगर 1 में से माइनस करें तो पी नॉट ई वाली आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जो हम करते हैं कि नूरी विल नॉट बाय ए गुड पेन इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किसकी है, डिफेक्टिव पेन की निकालनी पड़ेगी, खरीदती नहीं है मतलब क्या है, वो गुड पेन नहीं है तो डिफेक्टिव पेन है, तो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, तो फेवरेबल कितना होगा, 20, डिफेक्टिव पेन 20 थे, टोटल कितने हैं 144, तो 20 को 4 से कट किया 5 टाइम, और इसको 4 से कट किया तो 36 टाइम, तो 5/36, तो नूरी इन्हें जो पेन ख़रीदा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 31/36, और नहीं ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। तो ये जो सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे पी नॉट ई वाला, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, 31/36 आया था तो पी नॉट ई, मतलब ई जो है उसका अगर नहीं हो तो ई में क्या था, गुड पेन हो तो नॉट ई में क्या, गुड पेन नहीं होगा, नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगी, तो इसको हम 1 - PE से भी कर सकते हैं, तो 1 - 31/36, और इसको हम सॉल्व करके एलसीएम लेके अपॉन में 1 लेके सॉल्व करें तो 5/36 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप उस सेकंड केस को कर सकते हो। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, नया क्वेश्चन नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।